बाहरी दिल्ली के नरेला B4 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें सेक्टर B4 के लोगों ने कई बार DDA और MCD से भी इसकी शिकायत की, लेकिन इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहां के लोगों का गंदगी की वजह से बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी नाले कचरे से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। जब साफ सफाई नहीं कर रही, क्या परेशानी है? आज से एक साल पहले हमें कंप्लेंट की थी, एक बार वो आए और आज करीबन एक साल हो गया, यहाँ ना तो कोई MCD वाला आता है ना कोई DDA वाला आता है। हम DDA वाले पास जाते हैं तो वो कहते हैं MCD वाले करेंगे, MCD वाले पास जाते हैं तो कहते हो DDA वाले करेंगे। हमारे पास कंप्लेंट नंबर भी है और अभी हमें कंप्लेंट दी थी 20-1 में, उन्होंने रिमाइंडर डाला है 30-1 में, दूसरा रिमाइंडर हमारा 8-2 में और 13 तारीख को कह रहे हुए हम सफाई कर चुके हैं यहाँ पर, बल्कि वो सफाई यहाँ नहीं करके गए हैं। ये जनता है यहाँ फ्लैट की, किसी से पूछ लो यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आया है। तो अभी तक बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है MCD के द्वारा यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आता जी। और हम हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी कोई यहाँ नहीं आता। तो इतनी शिकायतों के बावजूद भी आप MCD ऑफिस में गए थे, वहाँ से आपको क्या कुछ? कल मैं वहाँ गया था, बोले सुबह आ जाएगा आपके यहाँ सफाई हो जाएगी, अभी लग सफाई हुई नहीं है। तो एक साल से लगातार जो वो सफाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई नहीं आया जी। तो एक साल से ऐसे गंदगी में रहने, ऐसे गंदगी में रहना पड़ रहा है, बीमारियाँ हैं ये आप देखो, गंदिया नाले और फुल है बिल्कुल। तो कोई यहाँ पे MCD का अधिकारी कोई नहीं आता भाई साहब, ना DDA वाला आता ना MCD वाला आता। कितनी शिकायतें दी और उसके बावजूद भी नहीं आ रहे? शिकायत तो अभी ये अभी की है, उससे पहले मेरे पास कंप्लेंट भी है, ये एक DDA की है, ये दोन MCD की है और ये DDA की है और ये सारे फ्लैट के साइन इसके ऊपर, उसके बावजूद भी कोई वो कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार एक साल से सफाई नहीं हो रही, कोई नहीं आ रहा। साथ ही वहां के लोगों का कहना है कि वे कई बार DDA और MCD प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पिछले एक साल से यहां कोई भी साफ सफाई करने नहीं आया है। बता दें उन्हें कूड़े की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहां कचरे से काफी ज्यादा बदबू आती है और यहां रह रहे बुजुर्ग और बच्चों में भी बीमारियों का खतरा बना रहता है। और अब कुछ समय बाद डेंगू का सीजन भी आने वाला है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शंकर चौधरी, कब से सफाई नहीं हो रही यहाँ पर? दो साल से नहीं हुई, दो साल से हम देख रहे गंदगी में रह रहे, कोई सफाई नहीं हुई, कोई सफाई करने के लिए नहीं, कोई आता ही नहीं है। सीवर सब ओवरफ्लो है लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, कहीं भी जाओ नहीं आते हैं। तो क्यों सफाई नहीं हो रही, क्या रीजन है कुछ? ये तो सरकार बताएगी, हम क्या उसको बताएंगे सरकार क्यों नहीं कर रही, या यहाँ के आदमी के आदमी नहीं समझती सरकार, अभी तो सरकार इसके जवाब देगी। निगम पार्षद को भी इसकी शिकायत की? निगम पार्षद के पास भी गए थे, वो भी नहीं कोई आया। वोट देने के टाइम पे तो आपके पास आते हैं, लेने के टाइम पे तो आते हैं, जब तो सब लोग आते हैं, सब काम बता जाते हैं हम सफाई करेंगे, लेकिन अब कोई नहीं आता है। काम पड़ा तो कोई भी नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, सफाई करने सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है। गंदगी सामने है, जो इसको देखना है सरकार को देखना है, देख ले। ठीक है, साफ सफाई ना होता, ना कोई आता है ना देखता है, तो ऐसे गंदगी में ही रहने को मजबूर हो। गरीब गुरबा से 200-400 रुपया साल में कभी ले ही लेता है, तो कोई देता है कोई नहीं देता है, सफाई हो को ना हो को पैसा तसील करके खा जाता है, कोई सफाई नहीं करता। MCD का कोई कर्मचारी नहीं, दो बार पैसा दिया है सफाई करने के लिए, 200 नहीं मिला, सफाई नहीं। सरकार का कोई आदमी नहीं ना, कोई नहीं आता है, सफाई नहीं हो रही है। दो साल से सफाई नहीं हो रही है, इतने गंदगी है, इतने गंदगी की इतना आदमी बाल बच्चे लेकर आ रहा है, सारे बीमार पड़ रहे हैं गंदगी से, लैट्रिन निकल रहा है। दो साल से ना नाली गली, कोई झाड़ू, कोई लैट्रिन, कोई नाली का सफाई कुछ नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। कोई प्रशासन का अधिकारी या प्रशासन कर्मचारी नहीं आता? नहीं आते। अब देखना होगा कि इस कूड़े से भरे नाले की साफ सफाई कब तक होती है, इस कचरे की शिकायत पर DDA व MCD के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या फिर नरेला B4 में जनता फ्लैट्स के लोग ऐसे ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।